गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सब्जेक्ट इज हिंदी। आई विल टीच यू न्यू चैप्टर सेकंड, मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई चैप्टर में, इसमें एक क्या होता है, इसमें एक चींटी होती है और एक टिड्डा होता है। जो चींटी होती है वो तो बहुत परिश्रमी होती है और जो टिड्डा होता है वो बहुत आलसी होता है। जो चींटी होती है वो हर अपना वर्क हर समय पर करती थी और मेहनत करती थी, और जो टिड्डा होता है वो आलसी होता है। उसी प्रकार हमें बच्चों को भी आलस नहीं करना चाहिए, हर कार्य हमें समय पर करना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, मांग कर नहीं खाना चाहिए। जब तक आप वर्क को नहीं करोगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी, और जब तक वर्क करते रहोगे उसमें सफलता आपको मिलती रहेगी। अब इस मेहनत की कमाई में मैं आपको बुक से रीड करवाऊँगी। सो ऑल स्टूडेंट लुक एट द बुक। मेहनत की कमाई। एक जंगल था, उसमें एक टिड्डा रहता था। वह काफ़ी आलसी था, वह कोई काम नहीं करता था। वह दिन भर पेड़ पौधों पर खेलता रहता था। भूख लगने पर हरे हरे पत्ते खा लेता। आप टिड्डे को तो जानते हो, जो टिड्डियाँ हैं इस अभी फ़िलहाल फसलों को नुकसान कर रही है, वो हरे हरे पत्ते खाती रहती है और इससे फसल नुकसान हो जाती है, नुकसान हो जाती है, फसल पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। उसी प्रकार इसमें भी एक टिड्डा है, वो भूख लगने पर हरे हरे पत्ते खा लेता था और बहुत ही आलसी था। एक दिन उसने एक नन्ही काली चींटी देखी। वह चींटी दौड़ती जा रही थी, उसे घर पहुंचने की जल्दी थी। वह अपने बच्चों के लिए खसखस का एक दाना लिए जा रही थी। अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सीताफल का बीज पड़ा है। वह बहुत मीठा और खुशबूदार था। चींटी चतुर थी, उसने खसखस का छोटा सा दाना वहीं एक किनारे पर छोड़ दिया। उसने सीताफल का बीज अपनी पीठ पर लादा मीन्स रखा और अपने घर की ओर चल दी। बीज बहुत भारी था, नन्ही चींटी उसका बोझ संभाल न सकी, बीज गिर पड़ा। चींटी ने उसे फिर लादा, लेकिन इस बार भी वह बीज गिर गया। चींटी ने हिम्मत नहीं हारी, उसने बीज उठाया और फिर से अपनी पीठ पर रख लिया, पर बीज बार बार गिर जाता था। जो चींटी है वो बहुत ही परिश्रमी थी और चतुर भी थी। उसने एक छोटा सा खसखस का दाना लिया तो उसने उसको खसखस का दाना लिया और उसने उसको अपने बच्चों के लिए लेके जा रही थी, पर उसने एक रास्ते में एक बड़ा सीताफल का बीज पड़ा मिला तो उसने देखा कि उसने उस खसखस के छोटे से दाने को तो वहीं रख दिया और सीताफल का बीज अपनी पीठ पर रख लिया। और वो इतना भारी था कि चींटी उसको उसका वजन भी सहन नहीं कर सकी और वह बीज बार बार गिर जाता, पर वो चींटी इतनी चतुर थी कि वह बीज गिर जाता तो भी वह चींटी उस बीज को बार बार उसको अपने ऊपर रखा, अपनी पीठ के ऊपर रखा। और इसीलिए कहा है कि हमें जो भी कार्य करें उसमें हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जब तक हम हिम्मत नहीं हारेंगे और तो हमें कार्य हमारा सफल हो जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। उसी प्रकार से ये चींटी है जो अपने कार्य में सफल हुई और बीज को अपने पीठ पर रख लिया। अचानक चींटी को लगा कि
कोई धीरे धीरे हंस रहा है। उसने मुड़कर देखा, सड़क के किनारे वही टिड्डा बैठा था। वह चींटी को देखकर हंस रहा था। वह बोला, चींटी रानी तुमने इस बीज को इतनी बार उठाया, क्या तुम थकी नहीं? तुम इतनी छोटी हो, इतना बड़ा बीज तुम कैसे उठा पाओगी? इसे यहीं छोड़ दो, बच्चों के लिए कुछ और ले जाओ। इसे बार बार उठाने से कोई लाभ नहीं होगा। तो चींटी ने कहा, चींटी बोली, लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। चींटी ने क्या कहा कि हम जब अपना वर्क करेंगे तो हमें लाभ अवश्य ही मिलेगा, और जो अपना काम नहीं करेगा उसे तो सफलता मिलनी है। इसीलिए हमें अपना काम करना चाहिए ताकि हमें सफलता मिले, और उसमें हमें घबराना भी नहीं चाहिए। चींटी ने बीज को फिर से उठाया, पीठ पर लादा और घर की ओर चल दी। इस बार बीज रास्ते में कहीं नहीं गिरा। ऐसा था उस नन्ही चींटी का साहस, उस नन्ही चींटी की हिम्मत। इतनी बहादुर थी वो, इतनी चतुर थी, जिसे देखकर टीडा भी सहम गया, घबरा गया, डर गया। अब मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी, तो आप लुक एट द ब्लैक बोर्ड। शब्दार्थ, फर्स्ट है मजे, मौज, मस्ती, मजे, मौज, मस्ती। सेकंड इज अचानक, अचानक मीन्स अकस्मात, या एकाएक। थर्ड इज फायदा, लाभ। फोर इज नमस्ते, प्रणाम। फाइव इज असफलता, सफलता नहीं मिलना, सफलता नहीं सफलता नहीं मिलना। सिक्स इज खुशबूदार, सुगंध देने वाला। सुगंध देने वाला। सेवन इज
परिश्रम मेहनत घबरा जाना डर जाना 9 लादा उठाया 10 नहीं हारना घबराना रिपीट इट फर्स्ट मजे मौज मस्ती सेकंड अचानक अकस्मात या एकाएक थर्ड फायदा लाभ 4 नमस्ते प्रणाम 5 असफलता सफलता नहीं मिलना 6 खुशबूदार सुगंध देने वाला 7 परिश्रम मेहनत 8 सहम जाना घबरा जाना डर जाना 9 लादा उठाया 10 हिम्मत नहीं हारना घबराना नहीं। ये तो हो गए आपके वर्ड मीनिंग शब्दार्थ जो आपको नोटबुक में नीट एंड क्लीन करना है। थैंक यू।